Hello, my dear students. Welcome to all of you in your YouTube classes. Students, myself Himanshu Mishra, and I am your physics teacher, as you know about me. Students, we are discussing the first unit of physics, that is electricity. This is the seventh video, yes, of this particular unit. अगर आपने पहले की videos को नहीं देखे तो पहले आप उनको भी देखिए, क्योंकि हर एक video में concept इस तरीके से आता है कि आपको नए videos में उसका इस्तेमाल पड़ेगा. That is why प्लीज किसी भी वीडियो को ना छोड़े और पूरा देखें. ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए. आगे चलिए शुरू करते हैं. आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेजिस्टेंस. इन प्रीवियस वीडियो यू हैव सीन दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द ओम्स लॉ एंड फाउंड द फॉर्मूला वी इज इक्वल टू आई आर, वेयर आर इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस. ओके, नो प्रॉब्लम. देयर वी हैव पुट आर टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. प्रोपोर्शनैलिटी को मेंटेन करने के लिए हमने आर इंट्रोड्यूस किया, नो प्रॉब्लम. बट वॉट इज द आर, हाउ डज इट इफेक्ट, कैसे ये करंट को इफेक्ट करता है, ये कैसे वोल्टेज को इसमें इंट्रोड्यूस करके लाया जाता है, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मटेरियल में कैसे आता है, कंडक्टर्स में किस तरीके से एग्जिस्ट करता है. ओके, फॉर एग्जांपल, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस है क्या, फिर हम थोड़ी सी और बात आपको बताएंगे. रीडिंग करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे. देखो बेटे, इफ यू टॉक अबाउट अ कंडक्टर एंड इन इट्स इंटीरियर पोर्शन, हम इसके अंदर जाके देखे, देन वी विल सी दैट देर आर सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड देर आर सम आयन्स ऑल्सो. ओके, एटम्स, मॉलिक्यूल्स है ना, एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे. चलो, एंड वी से दैट द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करेंट, यानी जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा किसी टाइम में उतनी ज्यादा करंट फ्लो होगी, ये हम लोगों ने समझा हुआ है. अब आप देखो, कंडक्टर में जैसे ही कंडक्टर को आपने किसी वायर से या किसी सेल से कनेक्ट कर दिया, देन व्हाट विल यू सी, आप क्या देखेंगे, द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाना शुरू करेगा. ओके बेटा, करंट तो फ्लो हो गई, फ्लो हुई कि नहीं, क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम हम मेजर कर लेंगे तो हमारे पास करंट आ गया. बट दिस इज द नॉट एग्जैक्ट स्टोरी. अभी जब हम लोग देखेंगे इसको, इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके, एटॉमिक लेवल पे जाके देखेंगे, देन वी विल सी दैट इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स कोलाइडिंग विद दिस पॉजिटिव आयन्स. ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पॉजिटिव आयन से टकराना शुरू कर देंगे. अब बड़ा मुश्किल है, तो टकराना शुरू कर देंगी तो क्या अपनी इमोशन को स्टॉप कर देगी, नहीं. अब थोड़ा सा कुछ एग्जांपल समझिए. एक चोर, फिल्मों में आपने देखा कि एक चोर या एक विलन जो है वो भाग रहा है और उसको हीरो ने क्या किया, दौड़ाया हुआ है एकदम पीछे पीछे, लेकिन आप ये समझ लो कि वो क्या होता है कि किसी चीज से टकराता है तब भी वो आगे की तरफ चलने की कोशिश करता है, कहीं वो ठेले वाले से टकराता है तो कहीं दुकान वालों से टकराता है, लेकिन आप उसको देखो, वो गिरते पड़ते जब भी होगा वो आगे की तरफ जाएगा, वो आगे की तरफ चलता जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और उसको उसी मैनर में फॉलो करता है. कुछ इसी तरीके का मोशन यहां पे होता है, इलेक्ट्रॉन इससे टकराते हैं नो डाउट, बट इलेक्ट्रॉन जैसे टकराते हैं तो ऐसा नहीं कि इधर जाने की कोशिश करते हैं, दे स्टार्ट मूविंग, दे मूव इन सर्टेन डायरेक्शन. हाँ, वो टकराते हैं जरूर, तो बेटे टकराने के कारण थोड़ी सी उनकी स्पीड में, थोड़ी सी उनकी एनर्जी में गिरावट जरूर आती है, ऑब्वियस है, आनी भी चाहिए, गिरावट आती है. इस वजह से मोशन में क्या होती है, थोड़ी सी कमी आती है, और ये जो मोशन में ऑब्स्टिकल, रुकावट या कहें कि बैरियर आ रहा है बेटे, उसी बैरियर को हम क्या कहते हैं, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी का नाम, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी कहते हैं, और उसी को ओम्स ने रेजिस्टेंस का नाम दिया, और वी इज इक्वल टू आई आर में आर रेजिस्टेंस को ही बताता है. ओके, समझ में आया, आई थिंक आपको स्टोरी जो मैंने बताया वो बहुत अच्छे से समझ में आया, तो स्टोरी को एकदम ध्यान में रखे हुए, हाँ, कि विलन किस तरीके से देखो हमेशा दूर भागने की कोशिश करता है, एक सर्टेन डायरेक्शन, हाँ वहां वो इस गली से उस गली, लेकिन यहाँ गली नहीं है, यहाँ इसके पास एक ही रास्ता है, देयर इज वन वे पाथ, सो ये इधर ही जाने की कोशिश करेगा, इधर सपोज करो हीरो इज कमिंग एंड विलन को इधर जाना है,
पॉजिटिव की तरफ जाना है, तो वो क्या करेगा, इससे टकराएगा तब भी इधर, यहां टकराए तब भी इधर, तो टकराते टकराते ये क्या करेंगे, यहां पे पहुंचेंगे और करंट क्या होगी, फ्लो होगी। बट अगर वो फ्रीली मूव करते, एकदम रास्ता साफ होता तो और तेजी से मूव करते, लेकिन यहां पे रुकावटें हैं, हम उन रुकावटों को हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर भाई एटम्स और मॉलिक्यूल से ही तो सब्सटेंस बना है, तो अगर इस पर्टिकुलर हम जो वायर यहां पर लिए हैं, इसके हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को निकालने लगे, तो एक्चुअली मैंने इस वायर को तोड़ना चालू कर दिया, तब तो ये वायर रहेगा नहीं, एक समय आएगा कि मैं तोड़ ताड़ के इसको किनारे कर दूंगा, तो आप समझ सकते हैं कि ये वायर रहेगा नहीं। तो अगर ये वायर अपने प्रॉपर फॉर्म में है तो इसी तरीके से इसको होना पड़ेगा, और जब होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोलाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस कोलाइड करेंगे, मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के मोशन में थोड़ी सी गिरावट आएगी, और जब गिरावट आएगी बेटे तो आप देखेंगे कि चार्ज के फ्लो में जब गिरावट आई तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड इट इज नथिंग बट योर ओम्स लॉ। तो ओम्स ने इसी प्रॉपर्टी का नाम रेजिस्टेंस रखा। चलिए, मेरे ख्याल से आपको रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियरली समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आता बेटे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करेंगे। चलिए, इसके डेफिनेशन को हम लोग लिखते हैं। तो डेफिनेशन बेटे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर due to which it opposes the current flowing through it is called resistance. ओके, क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। यानी ऐसी प्रॉपर्टी बेटे, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से ये करंट के फ्लो को क्या करे, अपोज करे, क्या करे, अपोज करे, है ना। और अपोज करने के साथ भाई, अपोज करने का मतलब क्या होगा, करंट की वैल्यू को डिक्रीज करने की कोशिश करे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोला जाता है। अब ये तो डेफिनेशन हो गई, बट इसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है, ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको डिटेल में समझाया कि इलेक्ट्रॉन एटम्स मॉलिक्यूल्स और पॉजिटिव चार्जेस से क्या करते हैं, या खुद इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से ही कोलाइड कर जाता है, टकरा जाता है, जिसकी वजह से उनकी मोशन में क्या होती है, कमी आती है, और फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके कॉज ऑफ रेजिस्टेंस को पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है फुल मार्क्स में। तो रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, इन कंडक्टर्स when electron moves then they collides with other electrons and atoms and molecules. So, due to this, their motion reduces. In results, करेंट ऑल्सो डिक्रीजेस।
तो इसके कारण करंट भी बेटे क्या होता है, डिक्रीज होता है। और इसी ऑब्स्टिकल को, इसी कोलिजन जो कारण है, जो रास्ते में ऑब्स्टिकल्स हैं, उन्हें ही हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो द ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसी को बेटे रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। चलिए, अब सिंस रेजिस्टेंस को हमने क्या बोला था, R इज इक्वल टू बेटे V अपॉन I, बोला था कि नहीं बोला था? इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, यूनिट हो जाएगी यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बोलो ना, कैसा होगा ये आपका क्या है, V है, V का यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज है या वोल्ट है, और करंट आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोगों ने किस यूनिट को बताया था, एम्पियर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे V अपॉन ए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी को बेटे हम लोग ओम बोलते हैं, क्योंकि ओम ने इसे इंट्रोड्यूस किया था इसलिए इसे ओम भी बोला जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज ओम। अच्छा, चाहे हम ऐसे बोले, यहां पर ओम का एक सिंबल है, ठीक है, सिंबल ऑफ ओम, यहां पे ऐसे कर लीजिएगा, क्या है भाई, ऐसे हेडफोन जैसा होता है ऐसे, ये ओम का सिंबल है। तो चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ओम लिखें, कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर ये दिख रहा है तब भी आप ओम समझेंगे, और ये तो ओम लिखा ही है। ठीक है, तो एक ओम बराबर क्या होगा बेटे, वन वोल्ट अपॉन वन एम्पियर। तो वन वोल्ट का डेफिनेशन, जो वन ओम की डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वन वोल्ट अपॉन वन एम्पियर। यानी हम ये तो जान लिए कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है, लेकिन भाई एक ओम कितना है, पहले हमें ये तो पता लगे कि हम किससे मेजर करेंगे वो तो पता लग जाए, तो इसलिए हमें डिफाइन करने की जरूरत होगी कि वन ओम कितना है। तो वन ओम इज इक्वल टू वन वोल्ट अपॉन वन एम्पियर। इसका क्या मतलब है बेटे, इसका मतलब है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो होने की वजह से, अगर किसी वायर में करंट फ्लो होने की वजह से जो पोटेंशियल हो वो वन वोल्ट हो जाए, यानी किसी वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है और करंट के प्रोडक्शन से, फ्लो होने से जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है एंड्स पे कंडक्टर के, अगर बेटे वो वन वोल्ट हो और ऐसे समय आपकी करंट की वैल्यू वन एम्पियर हो, तब जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा हमारा कंडक्टर वो वन ओम का करेगा। यानी वन एम्पियर की करंट अगर किसी कंडक्टर में फ्लो हो रही है बेटे, तो अगर उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस, एंड्स के पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट है, तो इससे हम क्या तात्पर्य निकालेंगे, इसकी क्या मीनिंग निकालेंगे कि रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है कंडक्टर, उसकी वैल्यू 1 ओम है। ओके, तो इसको डेफिनेशन में लिखा जाए, यहां पे ले लीजिए, लेट V इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, देन R इज इक्वल टू 1 ओम।
इतने लिखने के बाद लिखिएगा सो इफ यू इफ करंट ऑफ वन एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ड्यू टू दिस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एंड्स ऑफ द कंडक्टर ऑफ एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 volt then the resistance offered then the resistance offered मैं यहां लिख रहा हूं by conductor is 1 ohm कितना होगा बेटे 1 ohm होगा आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, आज इसको आप कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस पे और बात करेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किन बातों पर डिपेंड करता है, कि हम उसको लेंथ को बढ़ा दें तो क्या होगा, इसके एरिया को घटा दें तो क्या होगा, ये तमाम फैक्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे भाई ना कहीं पर पतला वायर तो कहीं मोटा वायर, आपको अलग अलग सर्किट में अलग अलग तरीके का वायर यूज होता हुआ दिखेगा, उसका कारण क्या है उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आए रेजिस्टेंस हाँ इस तरीके से काम कर रहा है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचे रहिए और पढ़ते भी रहिए, पढ़ाई बहुत जरूरी है क्योंकि आपका क्लास 10th है, इस बार बोर्ड के एग्जाम होंगे, आई होप कि इस बार एग्जाम हो क्योंकि एग्जाम से बेटे अच्छे स्टूडेंट्स बाहर निकल के आते हैं। स्टूडेंट जैसे आप लोग इतने मेहनत से पढ़ रहे हैं, अब पता लगा कि एग्जाम हुआ नहीं, कोई बच्चा नहीं पढ़ा है वो भी पास हो गया और आप पढ़े हैं वो भी आप भी पास हो गए, तो इक्वालिटी या इक्वालिटी की बात नहीं, सभी एक जैसे हो गए, तो ऐसे में अच्छे बच्चों की पहचान नहीं होती क्योंकि सभी एक जैसे हैं। इसलिए एग्जाम की होप करिए कि एग्जाम हो जिसमें आपका टैलेंट निखर के आए और आप अच्छे स्टूडेंट साबित हों। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा, आप पढ़ते रहिए और जो भी प्रॉब्लम आए बेटे वो कमेंट सेक्शन में बताते रहिए और हम अवेलेबल हैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।